युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें स्वरोजगार बैंक लोन आदि की सुविधाएं युवाओं को दिलाई जा रही हैं, जिसके तहत प्रत्येक माह एक रोजगार दिवस मनाया जाता है, जिसमें युवाओं को उनके सर्टिफिकेट, बैंक लोन संबंधी दस्तावेज आदि प्रदान किए जाते हैं। उसी के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर में भी आयोजित किया गया, जिसे मुख्य अतिथि के तौर पर जबलपुर लोकसभा क्षेत्र विधायक राकेश सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए और युवाओं को स्वरोजगार से संबंधित दस्तावेज एवं बैंक लोन सर्टिफिकेट, जिन युवाओं को कंपनी नौकरी मिली है, उनकी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पूरे प्रदेश में प्रति माह रोजगार दिवस एक दिन एक साथ मनाया जाना, ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निर्णय किया था। पिछले दो माह से स्थानीय निकायों चुनावों की आचार संहिता लगने के कारण से दो माह ये स्थगित रहे, दो माह बाद आयोजित फिर से हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इंदौर से इसको संबोधित करके जुड़ रहे हैं। हर जिले में ये मुख्यालय पर ये कार्यक्रम होता है। इस रोजगार दिवस हर महीने स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित करना, उनको ऋण वितरण करना। आज से कुछ वर्षों पूर्व की स्थितियां याद करते हैं तो देश में रोजगार की बात तो होती थी, लेकिन रोजगार देते और मिलते हुए दिखाई नहीं देते थे। सरकारी नौकरियां मिलना यही रोजगार का पहला और अंतिम लक्ष्य माना जाता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे देश में युवाओं का आह्वान किया और ये कहा कि हम रोज़गार लेने वाले नहीं बल्कि रोज़गार देने वाले बने, और उसके बाद अलग अलग तरह की योजनाएं जो देश के युवाओं के लिए प्रारंभ की गई उसका एक सुखद